हम लोग यहाँ पर जो जिनको मुख्य आरोपी बनाया जा रहा है, जिनका मकान खुला पड़ा है, वसीम जावेद का, जिनके बेटे सलीम को और दूसरे बेटों को आरोपी बनाया जा रहा है, उनके घर के सामने खड़े हैं। हमारे साथ में फॉर्मर आईजी रिटायर्ड आईपीएस एस साहब दारापुरी साहब हैं। दारापुरी साहब, आपने पूरी चीजों को देखा और जिस तरह से फोटो वगैरह भी आई हैं कि किस तरह चंदन को जो है वो गोली लगी है और सारी चीजें हुई हैं, तो क्या कहें, क्या है आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? देखिए, अभी जो मैंने चंदन की जो गोली लगने वाली जो फोटो देखी है, उसमें यह है कि गोली उसके बाई बांह में लगी है और यहाँ एक साइड में, और ये पुलिस का ये कहना है, पुलिस का जैसे आज एक बयान आया था कि चंदन को जो है सलीम ने ऊपर से, ये जो बालकोनी है यहाँ बालकोनी से मतलब जो गोली मारी थी, परंतु जो निशान है यहाँ पर, जो निशान है गोली का बांह के ऊपर जो है, वो ये दर्शा रहा कि वो गोली बिल्कुल सामने से लगी है, मतलब वो कोई ऊपर से गोली नहीं है। अगर ऊपर से गोली आती वो तिरछी लगती, और तिरछी लगने के बाद आगे जहां भी शरीर में जाना तो जाती, तो परंतु जो ये चोट है, चोट तो गोली के लगने की जो है वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे सामने से किसी ने या बगल से किसी ने मारी हो। तो ये जो है, ये इस सारी बात को बड़ा मतलब संदेहजनक बता देता है कि ये जो पुलिस की कहानी है या जो एफआईआर लिखी गई है कि वो सलीम ने जो है वो ऊपर बालकोनी से जो है मतलब वो गोली मारी। ये जो बालकनी है ये आप देख रहे हैं, इस जिस बालकनी की बात हो रही है, ये ऊपर बालकनी नजर आ रही है, इस बालकनी की बात हो रही है। जी सर, जबकि चोट का निशान जो है वो तो बिल्कुल सामने बगल से है, एकदम बगल से है। और दूसरा, अभी तक तो जैसा हम लोगों ने ये यहाँ जो पूछताछ की है उसे ये भी स्पष्ट नहीं है कि जो चंदन है उसको गोली लगी किस जगह पर है, किस जगह पर लगी है। एफआईआर में केवल इतना लिखा है उसके भाई की तरफ से जो लिखी गई है, जो कि कम से कम 12-14 जो कि कम से कम 10 घंटे के विलम्ब से लिखी गई है, उसमें शायद 40 लोगों को नामजद किया गया है, और उसमें ये कहा गया कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो इन लोगों ने सामने से आके हमारा विरोध किया, हमारा वो छीन लिया, छीना झपटी हुई, पथराव करना शुरू कर दिया, और दूसरा जो है उसी में गोली मार दी। और जो इसका चंदन का जो भाई है उसने कहा है कि मैं अपने साथियों के मदद से उस लाश को उठा के कुतवाली ले गया, जो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ये जो हमने अड़ोस पड़ोस से यहाँ सब पूछा है, वो लोग कहते हैं हमने इस जगह पर गोली चलने की कोई या पथराव होने की कोई बात नहीं देखी। तो ये जो कहानी बनाई जा रही है कि चंदन को जो है सलीम ने अपनी बालकोनी से, घर की बालकोनी से जो गोली मारी, वो बिल्कुल एक संदेहजनक है। उससे बिल्कुल एक शक पैदा होता है कि ये बनाई गई कहानी है, जबकि वास्तविकता कोई दूसरी है। जो लोग इसको देख रहे हैं वो इसको शेयर करते रहे। ये सर अभी ताला लगवाया दिया गया है, तो यहाँ पर अभी मकान पूरा खुला हुआ था और ये हम लोगों ने पुलिस ऑफिसर से बात करके यहाँ पे ताला लगवा दिया है, और ताले की फर्दर इसमें आगे कोई खुराफात नहीं हो, कोई चीजें नहीं हो, ये उनके पारिवारिक मित्र हैं, इन्होंने ये ताला लगा दिया है। पुलिस प्रशासन से हमने इसकी अनुमति ली है और हम लोग इसकी गवाही में हैं, और ये ताला दारापुरी साहब ने कहा था कि ताला लगाइए, इस पे ताले मंगा के, ताकि फर्दर आगे कोई कार्रवाई इस मकान में नहीं हो सके और कोई चीजें उसमें नहीं हो। तो बहरहाल हम यहाँ पर हमारे अब्दुल जमील साहब हमारे साथ हैं, लोकल एडवोकेट हैं। सर, थोड़ा सा अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार जो मीडिया लगातार कोट कर रहा है उससे हटके जो थोड़ा सा रियल वर्जन है उसको शॉर्ट में बता दें। जी, आप यहाँ के लोकल हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन उस टाइम में था नहीं। जी जी, लेकिन जो लोग बता रहे हैं, जो लोग ये बता रहे हैं कि वो उस गली से आगे बढ़े ही नहीं है। अच्छा, ये इधर हैं तो मैं चाहिए गोली वहाँ तक पहुँच कहाँ से जाएगी। जी जी, यहाँ जो गवाह है ना वो तो ना चल, वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई गोली नहीं चली, कुछ नहीं चली, दुकान है यार। अच्छा जी जी, अच्छा वो यही रहा उसके। जी भाई, आप ये हमारे साथ, आप क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर। शाकिर भाई यहाँ पर हमारे साथ में, शाकिर भाई आप वहाँ उस दिन थे? जी, मैं उस टाइम चश्मदीद गवाह, मेरे पिताजी खड़े थे, उन्होंने खड़ा था, मेरी शॉप है उसकी, समोसों की वो सामने जो दुकान दिखाई पड़ रही है चाय समोसे की, वो शाकिर साहब की दुकान है। शाकिर साहब उस दिन वहाँ मौजूद थे? मैं मौजूद था, सिर्फ मैं और मेरे पिताजी खड़े थे, और बाकी के जो आए थे, स्कूल की छुट्टी होने वाली थी बच्चों की, तो हिंदू मुसलमान दोनों खड़े थे।
जब वो उधर से फायरिंग करते हैं, लोग लगातार इसको शेयर करते रहे। जो हिंदू मुसलमान लोग खड़े थे उन्होंने दोनों ने मिलकर पथराव किया, जिससे किसी बच्चे आसानी से निकल जाए। इतने में अल्लाह का शुक्र फोर्स आ गया, फोर्स ने काबू पा लिया। हम लोग जल्दी जल्दी में अपनी भट्टी कढ़ाई अड़ैया सब छोड़कर भाग भी गया था अपने घर में। इस सभी को पुलिस कोई फायरिंग की आवाज सुनी थी? फायरिंग की आवाज़ उधर ही आई थी, हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई सर। शाकिर साहब, हिंदू मुसलमानों ने इकट्ठे मिलकर, दोनों ने मिलकर पथराव किया था उनके खिलाफ, क्योंकि वो फायरिंग करते हुए आ रहे थे। जी हाँ, दोनों ने किया था। जी जी, जहाँ पर बच्चों को अपने लेने आए थे छुट्टी कराने के लिए 11:30 बजे करीब, वो एकदम फायर करते हुए टाड़ टाड़ और ये कहते हुए इस तरह भद्दे लग मारो उन कटुओं को, इस तरह कुछ हिसाब से कहते हुए। लोकल लोग हैं या बाहर? ये लोकल ही है, सिर्फ वहाँ के रेलवे रोड के ज्यादातर लोग, ये उसने लोगों ने किया है। और आप लोग तो सच्चाई, अगर टीवी वाले हैं तो सच्चाई दिखाइए आप। इसमें जिससे कि हाथ को गुनाहगार है वो सही पकड़ा जाए, उसको मारने वाला उन्हीं ग्रुप में है कोई। तो जो जब वो लोग दंगा करते हुए यहाँ पर आए, तो यहाँ पे सबसे मेन बात जो निकल कर आ रही कि उनको वो पथराव करके स्कूल के बच्चों से बचाने के लिए पथराव जो किया गया उसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल। जी जी, दोनों शामिल, दोनों शामिल। इस मोहल्ले में आसपास आपकी नॉलेज में कोई गिरफ्तारी हुई है? जी हाँ, गिरफ्तारी तो खैर किसी की हुई, सिर्फ सलीम भाई की गिरफ्तारी हुई, और न हमारे मोहल्ले में कोई बांटेड न मुसलमान मोहल्ला इतना बड़ा है, सिर्फ ये 4-5 घर मुसलमानों का, बाकी उधर है दूर गली में। अच्छा। तो मुसलमान ने कहाँ से इकट्ठे होंगे? मुसलमान इतना खौफ देता था, सब अपने घरों में जाकर घुस गई थी जब बदनों ने बाहर था। ठीक है, शुक्रिया शाकिर भाई। नहीं, सलीम भाई नहीं थे, सलीम भाई अपने उस पे थे, क्या नाम है? बंदूक वाला बता रहे हैं? ऑलरेडी लाइसेंस है, तमंचे से क्यों मारेंगे? हाँ, एक बात जो वकील साहब ने बताई कि ऑलरेडी उनके पास शायद दो हथियार थे, एक जो है कोई रिवॉल्वर का लाइसेंस किसी ने बताया, बहरहाल एक बंदूक तो उनके पास लाइसेंस ही थी। तो जिसके पास लाइसेंस ही हथियार होगा वो तमंचे से फायर करके क्यों फायर करेगा?